हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल का 1 अक्टूबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है। आज का पेपर कैसा आया है, जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है ये पेपर वो बच्चे ज़रूर देख लें, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसके आंसर नहीं मिले हैं तो आप लोग देख लीजिए कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो बच्चे ज़रूर वीडियो को देखें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का था। विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, आगे क्या दिया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चला और फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चला, वह बी से किस दिशा से है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए ऑप्शंस में थे 20, 19, 17, 15। एक क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का था, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक शब्द का चयन करें, पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस, यहाँ पर कौन सा आएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर धुंधले हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। जिस ऊतक की कोशिकाएं, छोड़ते हैं इसको फिलहाल, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं धुंधले टाइप के हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, ये क्वेश्चन था। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन देखिए थोड़े से धुंधले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक शब्द का चयन कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादातर धुंधले ही दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन एक संचारी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमुना होता है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों से मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए था, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ओलंपिक मशाल, तो मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। विक्रम बिंदु आर से चलना शुरू किया, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। जो सब कुछ जानता हो वह है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो सब कुछ जानता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, हिंदी का क्वेश्चन है, दे सकते हैं आप लोग। इनमें से कौन सा अलावार महिला संत है, अडाल, अक्कामासी, सहजोबाई, मीराबाई, हिंदी का क्वेश्चन है। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटि भाग का चयन कीजिए, दे सकते हैं, वही क्वेश्चन फिर से है। अगला क्वेश्चन देखिए था, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अवंग नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने के बोला जा रहा, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है। असंगत बेमल शब्द का चयन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर तो खत्म को पूरा नहीं मिला है, कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। जैसे ही हमको पूरा पेपर मिलेगा आंसर की विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।